नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कॉम्पिटेंस क्लासेस पर। तो सबसे पहले सभी मित्रों को हैप्पी न्यू ईयर, और जिन कैंडिडेट जिन एस्पिरेंट के मन में है, जिन्होंने टारगेट फिक्स किया है अपना डिफेंस में जाने का, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, आई मीन दैट डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, गोल बना लिया है वो अपने इस गोल को अवश्य प्राप्त कर लेंगे इस ईयर। तो अपने गोल को प्राप्त करने में लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, जिससे कि आपके भी सीने पर अपनी जो सेना की वर्दी है वह आपके सीने पर हो। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है वह जारी कर दी गई है 1 जनवरी 2020 को। फर्स्ट इनटेक 2020 का जो बैच है, जिसकी जो ट्रेनिंग है प्रारंभ होने वाली अभी बेलगांव में, तो उसकी जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है उसमें कितने कैंडिडेट को कॉल अप किया गया है, तो ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। तो एक निराशाजनक खबर देखने को मिल रही है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जैसा कि पिछली तरह से ही होता आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जो जारी की जाती है, इसमें किसी भी कैंडिडेट को कॉल अप नहीं किया जाता है। तो इस बार भी यही हुआ है, इस बार भी किसी भी कैंडिडेट को कॉल अप नहीं किया गया है, चाहे वह एक्स ग्रुप टैग हो, चाहे वाई ग्रुप में मेडिकल को कॉल अप नहीं किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स ग्रुप टैग की, यहाँ से आप क्लिक करके जब देखेंगे तो इसको, तो इसमें साफ साफ लिख रखा है निल कैंडिडेट्स, यानी इसमें जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई है इसमें किसी भी कैंडिडेट को कॉल अप नहीं किया गया है। एडिशनल एनरोलमेंट शेड्यूल 820, तो यहाँ से जो, यानी आपको जो 8 तारीख को भेजा जाता है उसके लिए आपको जो कॉल अप किया गया है एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में, किसी भी कैंडिडेट को कॉल अप नहीं किया गया है। जबकि आप यहां से सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, जिस भी कैंडिडेट का एडिशनल जो इंटीमेशन कॉल लेटर उनके घर पहुंच जाता हो, तो वो भी कैंडिडेट यहां से देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट्स हु आर इन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन लेटर आर नॉट टू रिपोर्ट टू एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, यानी जिन कैंडिडेट का कॉल लेटर उनके घर पहुंचा था इंटीमेशन का, तो उनको किसी भी एएससी पर अब रिपोर्ट नहीं करना है। आर दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनरोलमेंट इन इनटेक फर्स्ट 2020, देयर इंटीमेशन लेटर इज टू बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड, यानी उनका जो कॉल लेटर है वो ऑटोमेटिकली ही कैंसल्ड हो चुका है अब, क्योंकि जो फर्स्ट इनटेक 2020 है उसका जो बैच प्रारंभ होने वाला है जनवरी से बेलगांव में, उसकी जो ट्रेनिंग होने वाली है उसमें किसी भी कैंडिडेट को इंटीमेशन, जो आपकी जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई है इस बार, किसी भी कैंडिडेट को कॉल अप नहीं किया गया है। और जिस कैंडिडेट का कॉल लेटर उनके घर पहुँचा था इंटीमेशन लेटर के थ्रू, तो उस कैंडिडेट को अब रिपोर्ट नहीं करना है। तो ये कैंडिडेट ये सोचकर अपना समय बर्बाद ना करें कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत करने के पश्चात मुझे इंडियन एयरफोर्स द्वारा कॉल अप नहीं किया गया, यानी मुझे मौका नहीं मिला है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो वर्दी दी जाती है, एक जो रेस्पेक्ट मिलता है समाज में, वो नहीं मिला है। तो वो कैंडिडेट घबराए ना, क्योंकि वह इंडियन एयरफोर्स द्वारा अब 2 जनवरी है, और आज से ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो सेकेंड बैच है 2020 का, उसके जो फॉर्म है आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज से अपनी जो मेहनत है दूनी प्रारंभ कर दें, आपका जो कॉल लेटर है मेंस में आई, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, और जो आपका जो नेक्स्ट बैच है सेकंड बैच 2020 का, उसको जब भेजा जाए तो सबसे पहले आपका उसमें नाम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपने सपनों को कभी चूर ना होने दें, इसी इच्छा दृढ़ शक्ति के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाए रखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।